Okay, students, welcome again. Today I am here with a poem explanation of your 8th class English book, Honeydew, your first poem, The Aunt and the Cricket. A fable is a story often with animal size character that conveys a moral. This poem about an aunt and a cricket contains an idea of far-reaching significance. ट्रू ऑफ़ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट डेट टू लेग्स। जो फेवल होती हैं वो ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनके कैरेक्टर एनिमल होते हैं और उनमें मॉरल छिपा हुआ था है तो ये जो पोएम है वो एक आंट और एक क्रिकेट की स्टोरी है जिसमें जो सिग्निफिकेंस दिया गया है वो जितना फोर लेग्ड क्रिकेट के लिए ट्रू है उतना ही टू लेक्ड के, के वन के लिए भी यहाँ पे टू लेक्ड वन देखो किसके लिए कहा गया है ह्यूमन बीइंग के लिए कहा गया है इनडायरेक्टली और लास्ट में दिया भी गया है श्योरली यू हैव शीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लैक्स श्योरली आपने ऐसे क्रिकेट को देखा होगा जो टू लैक्स वाला होगा तो यहाँ पे टू लैक्स वाला क्रिकेट ह्यूमन के लिए कहने से क्या तात्पर्य है जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो क्रिकेट था वो बहुत लेजी था वो समर सीजन में ओनली गाता रहता था और विंटर में वो फिर आ, परेशान हो जाता है तो ऐसे ही जो ह्यूमन कुछ ह्यूमन बीइंग हैं जो क्या करते हैं लेजी बने रहते हैं समय पे अपना काम नहीं करते हैं और फिर मुसीबत आने पर वो परेशान हो जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर टू लेग्ड वन उस क्रिकेट के लिए बोला है नाउ अंडरस्टैंड दिस पोए असली क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वाम सनी मंथस ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग असली यंग क्रिकेट एक मूर्ख क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंह अकस्टमड का मतलब होता है यूज टू मतलब आदि था टू सिंह गाने का एक मूर्ख यंग क्रिकेट जो था वो गाने का आदि था थ्रू द वाम सनी मंथस ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग कब गे समर स्प्रिंग यानी कि जो प्लीजेंट समर और स्प्रिंग सीजन के सनी मंथ्स थे उनकी गर्मियों में जो न, के दौरान वह गाने का आदि था एक मूर्ख यंग क्रिकेट प्लीजेंट समर और स्प्रिंग न, सीजन के सनी मंथ्स के दौरान जो गर्मी होती है उसमें गाने का आदि था बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिस कवर्ड वॉज एम टी एंड विंटर वॉज कम बिगिन ट कम्प्लेन कम्प्लेन करना शुरू कर देता है जब वो देखता है कि उसके घर में उसका जो कवर्ड है उसका जो डिब्बा है या जो अलमारी है वो खाली है और जो विंटर है वो आ चुका है नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कूड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री नॉट अ क्रम क्रम मीन्स होता है पीस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी का टुकड़ा नॉट अ क्रम टू बी फाउंड उसे एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला और न स्नो कवर डाउन क्योंकि जो ग्राउंड था वो पूरी तरह से स्नो से कवर हो गया था यानी कि बर्फ से ढक गया था जिसकी वजह से उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल पाया नॉट अ फ्लावर कुडी सी एक भी पेड़ फूल उसे नहीं दिखाई दे सका नॉट अ लीफ और नट टी और एक पत्ता भी उसे पेड़ पर नहीं दिखाई दिया वट विल बिकम से क्रिकेट ऑफ मी नो क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा एट लास्ट बाई स्टावेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑन ट्रबलिंग विथ कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट एटलास्ट बाय स्टावेशन एंड फेमाइन विथ बोल्ड एटलास्ट मतलब अंत में बाय स्टावेशन स्टावेशन मतलब होता है भूखमरी या भूख से एंड फेमाइन विथ बोल्ड और uh, क्या हो गया था फेमाइन में से होता है अकाल खाने की कमी हो जाना तो मेड uh, बोल्ड जो uh, और अंत में जो भुखमरी थी या जो खाने की कमी थी अकाल था उसने उसे क्या बना दिया बोल्ड बना दिया बोल्ड मतलब होता है साहसी ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड यानी कि पूरी तरह भीग कर और पूरी तरह ठंड से कांपते हुए अवे ही सेट ऑफ़ टू माइजरली आंट और वह क्या होने वह क्या हुआ सेट uh, ऑफ मतलब निकल पड़ा टू अ माइजरली आंट एक कंजूस चीटी के पास के पास निकल पड़ा टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट टू सी इफ़ Hmm, यह देखने के लिए कि क्या पता सी टू कीप हिम अलाइव उसको जिंदा रखने के लिए ही वुड ग्रांट बहुत से कुछ दे दे क्या क्या विषय है उसकी हिम सेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विज्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टमोरो क्या चाहिए उसे रे सेल्टर फ्रॉम रेन यानी कि बारिश से बचने के लिए उसे छत चाहिए एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन और पेट भर उसे खाना मिल जाए ही विजड ओनली टू बोरो वो केवल बोरो करना चाहता है बोरो करना मतलब उधार मांगना चाहता है कुछ समय के लिए लेना चाहता है ही वुड रिपेट टू मेरो जिसे वो बाद में या कल को वापस कर देगा

तो देखो आंट ने क्या बोला द क्रिकेट जो आंट थी वो क्रिकेट से बोली आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं बट नेवर लैंड लेकिन हम जो आंट्स हैं वो नेवर मतलब कभी नहीं बोरो मतलब उधार लेती हैं वी नेवर लैंड और हम जो आंट्स हैं वो कभी भी लैंड मतलब उधार देती हैं बट टेल मी लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट डीड यू ले नथिंग बाई वेन द वेदर वॉज वाम कोथ द क्रिकेट नॉट आई तो बट टेल मी ड्यूअर क्रिकेट लेकिन डियर क्रिकेट मुझे ये बताओ क्या तुमने जब जो वेदर था वो गर्म था तो क्या तुमने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया कोथ द क्रिकेट क्रिकेट ने कहा नॉट आई नहीं मैंने नहीं किया माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एट नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे यू संग सर यू से गो देन सेज द आंट एंड डांस द विटर अवे माई हार्ट वॉज सो लाइट मेरा जो हार्ट था वो बहुत लाइट था हल्का फुल्का था यानी कि खुश था दैट आई सेंग डे एट नाइट इसलिए मैंने दिन और रात गाया फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे क्योंकि जो पूरी नेचर थी जो पूरी प्रकृति थी लुक्ड मतलब लग रही थी गे मतलब प्लीज एंड मतलब अच्छी लग रही थी सुखद लग रही थी आनंददायक लग रही थी यू शंक सर यू से तुमने गाया सर जैसा कि तुमने अभी कहा गो देन तो अब जाओ से द आंट आंट ने कहा एंड डांस द विंटर अवे और पूरे विंटर डांस करो डिंग द हैसली लिफ्टेड द विकेट And out of the door turned the poor little cricket. Fox call this a fable. I will I will uh, warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. इस प्रकार अंत में उसने तेजी से उसे क्या कर दिया? बाहर कर दिया एंड आउट ऑफ द डोर टन द लिटिल पुअर लिटिल क्रिकेट और उसने उस बेचारे छोटे से क्रिकेट को दरवाजे से बाहर कर दिया उसने उसे उठाया और दरवाजे से बाहर कर दिया फॉक्स कॉल दिस अ फेबल जो फॉक्स हैं यानी कि जो लोग हैं इसे फेबल बोलते हैं एक लोक कथा बोलते हैं आई विल वॉर इट ट्रू लेकिन मैं इसे सच बताता हूँ सम क्रिकेट्स फोर लेग्स कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके फोर लैक होते हैं जैसे कि झेंगूर एंड सम हैव टू लेकिन कुछ क्रिकेट ऐसे भी होते हैं जो इनके दो पैर होते हैं जो इनडायरेक्टली पोएड ह्यूमन बींग के लिए ही कहना चाहते हैं एंड दिस पोएम वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम ए सॉब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल ओके